दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। सबसे पहले तो आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि मैं इस चैनल पर तो थोड़ी बहुत बात खबर को बताने से पहले, खबर से पहले आपको जो जरूरी जानकारी देनी है वो दे दूं। सब कुछ अच्छा रहा तो इस चैनल पर भी मैं अक्सर नजर आऊंगा और इस चैनल के वीडियोज में भी आप हमको देख पाएंगे। तो आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने जो सहयोग, समर्थन और प्यार दिया है, जहां जिस भी संस्थानों में मैं रहा हूं, और मैं जानता हूं इस चैनल के दर्शकों में से बहुत ज्यादा दर्शकों की वैसी तादाद है जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं, चाहे मेरा वो निजी चैनल हो या फिर किसी दूसरे संस्थान का चैनल हो। तो आपने सब जगह मुझे प्यार दिया है, सहयोग दिया है, तो इस चैनल में भी अपेक्षा होगी कि आपका प्यार, सहयोग, समर्थन मिलता रहे। तो ये जानकारी आपको देनी थी कि हम आप लोगों के बीच इस चैनल के जरिए भी जुड़ेंगे। अब खबर क्या है? खबर यह है कि दरअसल पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का जो स्टैंड रहा, आरजेडी का जो स्टैंड रहा, वो आरजेडी पर ही भारी पड़ता जा रहा है। पप्पू यादव को आरजेडी के कई नेता अपना समर्थन दे रहे हैं और आरजेडी के विधायक हैं कुढ़नी से, उन्होंने तो कहा था कि पप्पू यादव के साथ पॉलिटिक्स हुई है, मैं समाज सेवा कर रहा हूं तो क्या आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो सिर्फ आरजेडी के कुछ नेता नहीं, आरजेडी के विधायक नहीं, अब एक बयान है जो बहुत एक्सक्लूसिव है, वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, लालू तेजस्वी के करीबी हैं, श्याम रजक, उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा है, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाया था, उनके आपराधिक उनका जो आपराधिक उन पर आपराधिक मामले हैं उसको लेकर सवाल उठाया था, उसको लेकर एक्सक्लूसिव बयान सामने आया है श्याम रजक का। तो पहले वो बयान सुनिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। मैंने अपने विधायक कोटा से 4 एम्बुलेंस पूर्व में दे चुका हूँ, फुलवारी विधानसभा के पुनपुन और फुलवारी में, उसको तो मैं नहीं चला रहा हूँ, वो तो मैंने दे दिया वहाँ के प्रशासन को और वहाँ के हेल्थ विभाग को, और वो चला रहा है बढ़िया से। महावीर कैंसर हो, चाहे आपका एम्स हो, चाहे वो फुलवारी का इमारत सरिया का स्वास्थ्य केंद्र हो या पुनपुन का स्वास्थ्य केंद्र हो, तो जब विधायक कोटा का एक मापदंड होता है। अब जिस तरह से छपरा में पप्पू यादव जी ने जिस बात को उठाने का काम किया, अब उसको आप टर्न कर रहे हैं कि वो डकैत है कि क्या है, अपराधी है, सवाल ये नहीं है। सवाल है जनता के सामग्री को, जनता के सुविधा के लिए जो सामग्री मिली, उस सामग्री का किस तरह से बंदरबांट, जिस तरह से उसका घोटाला, जिस तरह से उसका ये किया गया है, हम इसके खिलाफ है और इस सवाल पर हम बेनकाब करना चाहते हैं। पप्पू यादव ने बेनकाब किया, पप्पू यादव की व्यक्तिगत राजनीति, उनकी दल की राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो जनता के सवाल पर हूँ, राष्ट्रीय जनता। इतना जरूर स्पष्ट है कि श्याम रजक कम से कम पप्पू यादव के साथ खड़े हैं, और पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध उन्होंने तब भी किया था जब पप्पू यादव गिरफ्तार हुए थे, उसके तुरंत बाद श्याम रजक का बयान सामने आया था। श्याम रजक ने कहा था कि सरकार में जरा सी भी शर्म बची है तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो एम्बुलेंस मामले को लेकर आप पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले को लेकर कह ले, श्याम रजक पप्पू यादव के साथ खड़े नजर आते हैं, खड़े हैं, आरजेडी के दूसरे नेता भी खड़े हैं, हालांकि आरजेडी का स्टैंड रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले से उसने पल्ला झाड़ लिया है, किनारे कर लिया है, और जिस तरह से आरजेडी को पप्पू यादव के साथ खड़े दिखना चाहिए था, आरजेडी उस तरह से आरजेडी के साथ नहीं खड़ी है। सत्ताधारी दल में सहयोगी रहते हुए भी, सत्ता में सहयोगी रहते हुए भी, साझेदार रहते हुए भी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो ने, दोनों पार्टियों के प्रमुखों ने पप्पू यादव का साथ दिया, खुद बीजेपी के एमएलसी ने पप्पू यादव का साथ दिया, हालांकि आरजेडी की तरफ से उस तरह से मजबूती नहीं दिखाई गई साथ खड़े होने के मामले में, लेकिन आरजेडी के कद्दावर नेता श्याम रजक पप्पू यादव के साथ अब भी खड़े हैं। और ये एक्सक्लूसिव बयान आपने उनका सुना, क्या उन्होंने कहा है साफ तौर पर ये कहते हुए कि पप्पू यादव लोगों की सेवा कर रहे थे और एम्बुलेंस छिपा कर रखना ठीक नहीं, और जो तमाम बातें उन्होंने कही वो आपने सुना है। तो लालू यादव के श्याम रजक, आरजेडी के श्याम रजक,
पप्पू यादव के साथ खुलकर खड़े हैं, पप्पू यादव के समर्थन में। कम से कम इस बयान से ये पता चलता है। और जाहिर तौर पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने पप्पू यादव के सियासी कद को और बड़ा किया है बिहार की राजनीति में, बिहार में। और जिस तरह से पप्पू यादव की भूमिका रही पूरे कोरोना संकट काल में, कोरोना की पहली लहर हो या फिर कोरोना की दूसरी लहर हो या फिर पटना का जलजमाव हो, पप्पू यादव को इसका कोई राजनीतिक फायदा चुनाव में नहीं मिला, लेकिन पप्पू यादव का राजनीतिक कद बड़ा होता गया है। पप्पू यादव मसीहा की भूमिका में दिखे हैं और शायद तेजस्वी यादव को पप्पू यादव के इस बढ़ते राजनीतिक कद से डर है। और आरजेडी अगर पप्पू यादव के साथ खुलकर खड़ी नहीं है, आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व पप्पू यादव के साथ खुलकर खड़ा नहीं है, तो इसकी वजह इसी डर को बताया जाता है। तो फिलहाल श्याम रजक को लेकर ये खबर कि वो पप्पू यादव के साथ खड़े हैं, उनका एक बड़ा बयान पप्पू यादव को लेकर आया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को बहुत प्यार समर्थन सहयोग दिया है आपने, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।